और अब खबरें विस्तार से। अमेरिका के टेक्सास में दिल को झकझोर देने वाली घटना घटी है। दक्षिण टेक्सास के राव प्राथमिक विद्यालय में गोलीबारी में 18 बच्चों और अन्य 3 की मौत हो गई। शूटर की उम्र 18 साल बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान शूटर मारा जा चुका है। ये जानकारी टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने दी है। गोलीबारी के बाद जो बाइडेन ने हथियारों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर भावुक संदेश दिया। बाइडेन ने कहा कि वे हथियार पर लगाने वाले प्रतिबंध को लेकर काफी चिंतित हो चुके हैं और अब कोई ना कोई कदम उठाने की जरूरत है। तो अमेरिका के टेक्सास में दिल को झकझोर देने वाली बड़ी घटना हुई है। दक्षिण टेक्सास के राब प्राथमिक विद्यालय में गोलीबारी, करीब 18 बच्चों और 3 से ज्यादा वयस्कों की मौत हुई है। शूटर की उम्र 18 साल है। भाई में शूटर भी ढेर हो गया। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने यह जानकारी दी है। टेक्सास के इतिहास में गोलीबारी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक। गवर्नर, घटना वाल्डे टेक्सास में घटी है, जो एक छोटा शहर है जिसमें करीब 20,000 लोग रहते हैं। हमलावर का नाम सलवाडोर बताया जा रहा है। 2012 सैंडी हुक प्राथमिक विद्यालय की शूटिंग के बाद यह सबसे घातक स्कूल शूटिंग है। गोलीबारी के बाद जो बाइडेन ने हथियारों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर भावुक संदेश दिया। हथियार पर लगाने वाले प्रतिबंध को लेकर भी काफी चिंतित हो चुके हैं और अब कोई ना कोई कदम उठाने की जरूरत है।